माय मंत्रा हेल्दी इज ब्यूटी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आलोलिका। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नोवल कोरोना वायरस। ये वायरस की वजह से चाइना में बहुत लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और भी जाने के चांसेस है, और हमारी इंडिया में भी इसका बहुत ही आतंक फैला चुका है, और इसके लिए हम लोग बहुत ही टेंशन में हैं। और स्पेशली ज़्यादातर जो बाहर है, हमारे जो स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ने गए हैं, या फिर कुछ लोग जो नौकरी के वजह से हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडियंस हैं लेकिन बाहर चाइना में बहुत दिनों से है, काम के सूत्रों से या फिर किसी और भी कारण से वो लोग भी वहाँ अटके हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं लौट के, लेकिन उनसे भी ये वायरस होने के चांसेस, हमारे इंडिया में फैलने के चांसेस बहुत परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो टेंशन एक क्रिएट हो चुका है, पैनिक एक क्रिएट हो चुका है, लेकिन पैनिक के वजह से कुछ लोग बहुत ही उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं और कुछ लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और उसके वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या करना है, क्या होता है कोरोना वायरस, क्या उसके सिम्टम्स है, क्या कैसे हो फैलता है, कैसे फैल रहा है, इसके बारे में आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इससे आप लोगों का ही फायदा है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नाउ द सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस क्या होते हैं। फर्स्ट, जब प्राइमरी स्टेज में स्टार्ट होता है कॉमन कोल्ड, जैसे कि छींक, खांसी, बुखार, इन सबसे शुरुआत होती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। और उसके बाद जब सीवियर हो जाता है कंडीशन, तो जाके न्यूमोनिया हो सकता है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, और इवन किडनी फेलियर हो सकता है, एंड लास्टली डेथ। कोरोना वायरस, ये नाम और ये बीमारी इससे पहले भी देखी जा चुकी है, जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। स्टडीज़ से पता चलता है कि कोरोना वायरस बहुत ही बिग फैमिली ऑफ वायरसेस है, जो कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बिल्ली, ऊँट, चमगादड़, इन सारों में। और ये जो कोरोना वायरस है, ये टू टाइप्स में अभी तक पता चला था, जो कि नाम है मर्स सीओवी एंड सार्स सीओवी। मर्स सीओवी का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये दो खतरनाक टाइप में अभी तक इंसानों को इफेक्ट किया हुआ है कोरोना वायरस, लेकिन ये जो नया आया है नोवल कोरोना वायरस यानी NCOV, ये नया है, और इसी का हम लोग अभी देख रहे हैं चाइना में जो डिज़ास्टर हुआ है, इसी का रिजल्ट है। सो ये जो मर्स सीओवी है, ये इंसानों में कैमल से आया है, यानी ऊँटों से इन्फेक्टेड हुआ है इंसान, और जो सार्स सीओवी है वो बिल्ली से आया है, यानी कैट से इंसानों में आया है। और अभी तक ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें ये कोरोना वायरसेस है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा गया है कि उन सभी एनिमल्स से इंसान इन्फेक्टेड हुए हैं। NCOV या फिर 2019 नोवल कोरोना वायरस जो कहा जा रहा है, जो कि चाइना के वुहान सिटी में फर्स्ट डिटेक्शन हुआ है, और उसके वजह से चाइना में इतनी सारी मौतें हो रही है। तो चाइनीज़ जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है, उनसे ये पता चल रहा है कि ये जो वायरस है, ये उनकी जो एक लाइव एनिमल मार्केट है, और बहुत सी फूड जो सामुद्रिक खाना है उसका जो मार्केट है, उसी से शायद ये वायरस लोगों को हुआ है,
या फिर ये प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट से यानी पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हुआ है। अभी इंडिया में कुछ कोरोना वायरस सस्पेक्टेड इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया में आउटब्रेक हो चुका है कोरोना वायरस का, नोवल कोरोना वायरस का। लेकिन चाइना हमारी नेबर कंट्री है, तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। सो इसीलिए प्रिवेंशन इज मस्ट। सो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इस कोरोना वायरस से अपने आप को? तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो ज़्यादा, या फिर जहाँ भी जा रहे हो ऐसे ही अगर बाहर निकल रहे हो, तो जिन लोगों को सर्दी ज़ुकाम हुआ है, कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन हुआ है, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के चले। मास्क ज़रूर पहने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाथ खाने से पहले ज़रूर धोए, और ऐसे ही हाथ इस सिचुएशन में ज़्यादा धोए तो अच्छा है, और स्पेशली अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, हाथों को क्लीन रखें। बाहर का खाना, स्पेशली स्ट्रीट फूड, अभी के लिए ज़रा अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहे। और जिन लोगों को अभी हल्की सी ज़ुकाम या फिर हल्की सी बुखार, सर्दी, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए। और जो लोग अभी रिसेंट में कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाने का सोचा है, प्लानिंग हुआ था, तो प्लीज़ अगर ये आपके लिए एसेंशियल नहीं है, ये अगर अर्जेंट नहीं है, तो प्लीज़ इसे कैंसिल कर दीजिए। बिकॉज लाइफ होगी तो फिर से जाना होगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन में ना जाए तो बेहतर है। सो आज के लिए इतना ही। और फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट।